अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। सबको ईद मुबारक। और आज के ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काम वगैरह मेरा सब हो गया था, अज़लान को भी मैंने रेडी कर दिया और अज़लान बाहर चले गई है अपने दादा के साथ। वो आता है तो मुझसे मिलवाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारा अपने घर का सब सबमिट कर लिया, सब काम वगैरह मैंने कर दिया था पहले ही। और अब मैं तैयार होंगी, फिर देखते हम कहाँ जाते हैं या घर में ही रहते हैं। और अज़लान आता है तो मैं मिलवाती हूँ। नाश्ता हमने कर लिया था, नाश्ता आज मैंने सुबह ही बना लिया था 6:30 बजे। अंडे और क्या कहते हैं, अंडे आलू का सालन बनाया था वो, और पराठा और चाय हमने कर दी थी। हंसी भी जो आ गए हैं बाहर से, और ये देखें ना आप, बस आते हैं। इनको पानी चाहिए था, मैंने भी फिटर में दे दिया था। मैंने कहा क्योंकि ये फिट गिराएगा, कपड़े गंदे कर लेगा। अज्जो सबको बोले ईद मुबारक। इधर यूँ करो, हाँ यूँ कर दो, जल्दी करो। शाबाश मेरा बेटा। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं बस ऐसी ही रेडी हुई हूँ। और मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पे अज़लान सो रहा था, तो इस वजह से मैं तैयार नहीं हुई थी। मैंने कहा अज़लान उठ जाएगा तो फिर थोड़ी सी इसके साथ भी वीडियो बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। और ये जो मैंने स्कार्फ बांधा है, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बांधा है। अच्छा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बांधा है, और मतलब खुद ही मैंने ना आज ऐसे ट्राई किया है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि ये किस तरह से मैंने बांधा है। और क्योंकि ज़्यादातर मुझे ना ये मतलब हिजाब भी पसंद है, और क्योंकि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो हिजाब ही पहनती हूँ। हिजाब के बिना मतलब बहुत कम होता है कि मतलब कर लेती हूँ, लेकिन हिजाब लाजमी, ज़्यादातर मेरा हिजाब ही होता है। चलें फिर थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद मिलते हैं। और जो अज़लान साहब हैं, अज़लान साहब को मैं दिखा दूँ, इनके पास बेचारे के पास कपड़े नहीं हैं, हमारे अज्जू के पास है ना, अज्जू कपड़े नहीं हैं ना, ये बस गर्मी की वजह से नंगे रहते हैं ये, क्योंकि इसको जो गर्मी है ना वो बे इंतहा की लगती है, बे इंतहा की। कि जब सो भी रहा होता है ना, यकीन माने इसके यूँ पसीने बह रहे होते हैं। पंखे के नीचे सो रहा होता है, जबकि उसके बावजूद भी एक पंखा नीचे चल रहा होता है, एक पंखा इनके बराबर में चल रहा होता है, उसके बावजूद इनको इतने पसीने आते हैं। चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पापे तो देखें, एक पाव पापे इसने दिए कितने से कम महत मारे ने, ईद के दिन भी चोर बैठे हैं यहाँ पर। और ये चाय बना दी मैंने, अच्छू बैठे हैं अपने बाबा के पास। और यहाँ मैंने तो खाना आज नहीं बनाया क्योंकि आज ईद की तो मेरी छुट्टी थी। मेरे ससुर ने बनाया है ये भुना हुआ सालन, और बस मैंने रोटी बनाई और कुछ भी नहीं खाया आज मैंने ना। और बस खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो आप लोगों को मैं ये बताना था, मैं भूल ही गई कि हमारे घर में आने थे गेस्ट। जो मैं तैयार हुई थी वो हमारे घर में गेस्ट आने थे, तो इसलिए मैं तैयार हुई थी, वरना मेरा आज कहीं जाने का हमारा था नहीं। और गर्मी ऐसी थी तो बिल्कुल भी तैयार वगैरह होने का, तो मेकअप क्या एक लिपस्टिक लगाने का भी बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। खैर हुआ ये कि उनका आना था तो वो किसी वजह से आ नहीं पाए। और फिर हुआ ये कि फिर खाने को होने लगा, क्या पकेगा क्या पकेगा। तो फिर ये हुआ कि हमारे ससुर ने फिर भुना हुआ सालन बना दिया था, ताज मेरी खाने की छुट्टी हो गई थी। और बाकी यह था कि अब देखें कब आते हैं वो लोग, और फिर कल अब हम कहाँ जाएंगे वो हम आपको कल ही ब्लॉग में बताएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, आज का ब्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और क्या कहते हैं, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो पहले मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं।